वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, अकबर से औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य का राजपूत संबंध। ये आपका जो पेपर है बेटे, भारत का इतिहास नाम से बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 में हिस्ट्री का पेपर है आपका। ये एनईपी 20 के अकॉर्डिंग माइनर पेपर डीएससी 7 है बेटा। तो इसका पहला पार्ट आपका दो भागों में मैंने कराया, दूसरा पार्ट भी दो भागों में कराया आपका, तीसरा पार्ट एक ही जो है एक ही यूनिट में आपका एक ही वीडियो में खत्म हो गया था, चौथा पार्ट आपको मैं आज करा रही हूँ। इससे पहले 5 वीडियो है बेटा आपके, उनको देख लीजिए अच्छी तरह से ताकि चीजें आपस में सिंक्रोनाइज रहें बेटे, आपस में जुड़ी रहें, वरना यहाँ वहाँ से देखने में परेशानी होती है बेटे। तो आज ये छठा वीडियो है हमारा जो हम कर रहे हैं पाठ, अकबर से औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य का राजपूत संबंध। तो मुगल राजपूत संबंध शासकों की व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं से निर्धारित हुआ करते थे, यानी कि उनकी पर्सनल रिलीजियस की आस्थाएं थी, उस तरीके से होता था जिसको अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता की नीतियों और उस समय के राजनीतिक परिदृश्य पर उसके प्रभाव का पैमाना माना था। क्योंकि ये माना जाता था कि जो अकबर था वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, क्योंकि अकबर शुरुआत में राजपूत माहौल में रहा था, लेकिन औरंगजेब जो था वो अपने धर्म के मामले में बहुत ज्यादा कट्टर था। इस वजह से उसकी जो थियरीज थी, उसकी जो थिंकिंग थी, उसकी मान्यताएं थी वो बिल्कुल अलग थी। तो इनका अपना अलग अलग जो है प्रभाव पड़ा समाज पर, इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके बेटा। तो मुगल राजपूत संबंधों को स्वतंत्र रूप से नहीं समझा जा सकता। अब एक बात कह दी थी कि मुगलों के साथ राजपूतों के कैसे संबंध रहे, ये एकदम से नहीं समझ में आ सकता बेटा, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी किया है कई जगह पर। तो इसे समझौतों और संघर्षों की जटिल प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, कहीं समझौते हुए, कहीं संघर्ष हुए, कहीं अच्छा रहा, कहीं खराब रहा, ऐसे रहा है। तो ये पूरा का पूरा जब आपका पेपर है तो आपको इसमें काफी कुछ जानना चाहिए बेटा, तो उसी के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है आपके लिए। तो इसका विकास दिल्ली सल्तनत के पतन और राजस्थान, गुजरात और मालवा में एक नई राज्य प्रणाली के उद्भव की पृष्ठभूमि में माना जाता है बेटा। तो अकबर और मुगल राजपूत संबंध कैसे थे? 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद मुगल राजपूत संबंध एक बड़ी जटिल प्रक्रिया से विकसित हुए। दोनों पक्षों में आंतरिक कलह था, यानी कि हिंदू भी जो थे, राजपूत जो थे, उनमें भी आपस में कलह था, और जो मुगल थे उनमें भी आपस में कलह था। इसका विस्तार धार्मिक मतभेद के रूप में उभरा और प्रत्युत्तर में मराठों और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। उसके उसमें क्या हुआ, नतीजा क्या निकला कि राजपूतों के विवाद थे, मुगलों के भी विवाद थे, तो तीसरी शक्तियां निकलने लग गई, जैसे मराठे आए और भी बाकी बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां निकल कर की आई। तो एक सैनिक शक्ति के रूप में उत्तर भारत में राजपूत हिंदुओं के प्रतिनिधि थे, सैनिक शक्ति के रूप में यहाँ पर राजपूत थे, क्योंकि क्षत्रियों को यहाँ पर युद्ध करने के लिए कैसे असाइन किया जाता था शुरू से। तो अपनी युद्ध प्रियता के लिए, बहादुरी के लिए राजपूत काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो अकबर जो कि हिंदुओं के स्वैच्छिक सहयोग पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, ये राजपूतों पर जीत हासिल करने का फैसला किया। मतलब शुरुआत में अकबर की ये प्लानिंग थी कि सभी के सभी राजपूत मुझे सहयोग करें, इस बात के लिए मान जाए कि मैं यहाँ पर सम्राट बनूं। तो उसने सबसे पहले राजपूतों पर जीत हासिल करने का फैसला किया, उसके लिए कई तरह की उसने नीतियां अपनाई। तो आमेर का शासक था राजा भारमल, 1562 में अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने वाला वो पहला राजपूत शासक था। उसने अपनी पुत्री हरखाबाई, जिन्हें बाद में जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह अकबर से करके वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अच्छा बेटा, हमारे यहाँ का मैं एक आपको बता दूं कि हमारे भारत में जिसके यहाँ अपनी बेटी की शादी कर दी उसके लिए लोग जी जान लगा देते हैं, मतलब उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात अकबर ने खुद कही कि मुझे खुद जो यहाँ के हिंदुस्तानी राजपूत जो सम्मान देते थे उसको देख करके मैं हैरान था, वो लोग मेरे लिए जान भी देने को तैयार होते थे। क्योंकि एक तरीके से वहां पर उन्होंने जब अपनी बेटियों के विवाह किए हुए थे तो उनके ससुराल में कोई आपदा आए तो यहाँ के लोगों को एक तरीके से अपनी जान भी देने को तैयार हो जाया करते थे। तो इस चीज से अकबर को काफी फायदा मिला। अकबर के समय उसके राजपूत पत्नियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। अकबर ने अपनी पत्नियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त की, पूरी तरह से दी कि वो अपनी चाहे तो हिंदू धर्म को भी अपना सकती थी, और कुलीन वर्ग में उनके माता पिता और रिश्तेदारों को सम्मानित स्थान प्राप्त, उनके माता पिता को, रिश्तेदारों को भी काफी सम्मान दिया जाता था। तो अकबर ने भारमल को उच्च पद प्रदान किया और उनके बेटे भगवान दास को 5000 का मनसब दिया। मनसब हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा पीछे। तो आगे चलकर उनके पोते राजा मान सिंह को भी 7000 का मनसब दिया गया। तो अकबर ने कछवाहा राजपूत शासक के साथ अपने विशेष सहयोग की नीति पर जोर दिया। आमेर की तरह जैसलमेर और बीकानेर के शासकों ने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए।
इसके बाद राजस्थान में मेवाड़ एक अकेला ऐसा राज्य था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और संघर्ष का रास्ता चुना था। अकेला मेवाड़ था बेटा। तो फलस्वरूप मुगलों और मेवाड़ के शासकों के बीच सैनिक झड़पों का दौर शुरू हुआ जिसमें चित्तौड़ और मेवाड़ के आसपास का मैदानी क्षेत्र मुगल प्रभुत्व में आ गया, मुगलों के कब्जे में आ गया। हालांकि उदयपुर और उसके पहाड़ी क्षेत्र जो कि मेवाड़ राज्य का बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, वो मेवाड़ शासक के नियंत्रण में ही बने रहे। तो अकबर ने मेवाड़ से निपटने के लिए राजा के विरुद्ध धार्मिक युद्ध की घोषणा कर दी और हिंदुओं पर दोबारा से जजिया कर लागू कर दिया। पहले हटाया था अकबर ने, दोबारा से लागू कर दिया। लेकिन मेवाड़ के खिलाफ उसकी धार्मिक कट्टरता की ये नीति नहीं सफल हो पाई। आखिरकार अकबर ने मेवाड़ शासक जो थे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप को हराने के लिए ये पूरी जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी मानसिंह को और उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त मुगल सेना भी भेज दी। तो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल शासक के समर्थन में राजपूत मानसिंह ने मेवाड़ शासक महाराणा के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। मतलब वहां पर युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह। तो प्रताप ने बड़ी बहादुरी से मानसिंह और मुगल की सम्मिलित सेना का मुकाबला किया। मुगल सेना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई लेकिन सैन्य संख्या कम होने के कारण महाराणा को पीछे हटना पड़ा। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी मुगल मेवाड़ पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए। अब आगे अकबर की राजपूत नीति क्या थी? मेवाड़ जो है वो मुगलों के लिए एक तरह से एक गले का कांटा बना रहा। आगे तक भी इसकी हम चर्चा करेंगे बेटे वीडियो में। यदि अकबर ने राजपूतों के साथ व्यापक सहिष्णु और मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया होता तो उसके लिए राजपूताना पर नियंत्रण करना संभव नहीं था, क्योंकि ये लोग लड़ाका प्रजाति माने जाते थे भारत के। तो 1885-86 के दौरान अकबर की राजपूत नीति पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। राजपूतों के साथ उनके संबंध अवस्थित थे, संतुलित थे। राजपूत मुगल साम्राज्य में न केवल मित्र थे बल्कि भागीदार भी हुआ करते थे। अबुल फजल की जो बुक है आईने अकबरी, उसमें 24 राजपूत मनसबदारों के नामों की सूची मिलती है बेटे। राजा टोडरमल को राजस्व विभाग का प्रमुख बनाया गया था। अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य के लिए काफी सफल साबित हुई और इसे उसके कूटनीतिक कौशल का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब राजपूतों की सहायता लेकर के अकबर एक मजबूत और स्थिर साम्राज्य स्थापित करने में सफल। राजपूत हिंदुओं के बीच एक लड़ाकू कबीला हुआ करते थे, आप सभी जानते हैं बेटा। तो मुगल राजपूत वैवाहिक जो गठबंधन थे उन्होंने अकबर के दृष्टिकोण और राज्य नीति को बदल दिया। वो अपने प्रति राजपूतों के भक्तिपूर्ण लगाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था अभी ये क्यों था, उसका कारण क्या था। तो वे अकबर और मुगल सिंहासन के सम्मान के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अकबर ने भी हिंदू विषयों विशेषकर राजपूतों की समस्या के प्रति तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाकर प्रतिक्रिया व्यक्त किया। वो भी उनके साथ कंसर्न रहता था पूरी तरह से। अनेक राजपूतों को शाही सेवा में लिया गया, कई लोग मनसबदार के रूप में भी शामिल हुए। जजिया को भी हटा दिया गया, तीर्थ यात्रा पर जो कर होता था उसको भी हटा दिया गया, क्योंकि अकबर को भी राजपूतों को एक तरीके से पे बैक करना था। तो अकबर ने राजपूतों के बीच ये भावना दूर करने का हर संभव प्रयास किया, हर कोशिश की कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये सामान्य रूप से हिंदुओं और विशेष रूप से राजपूतों के प्रति मेल मिलाप की नीति थी जिसने अकबर को पूरे उत्तरी भारत और दक्कन के एक हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बना। जहांगीर और मुगल राजपूत संबंध कैसे हुआ करते थे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अकबर का हमने पढ़ लिया, अकबर ने बहुत ही अच्छे टर्म्स रखे, फ्रेंडली रहा, उनके साथ में हर तरीके से कोऑर्डिनेट किया, वैवाहिक संबंध बनाए। तो अकबर की तरह जहांगीर ने भी राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति को जारी रखा, उसने भी वही किया। बिल्कुल अगर आप अकबर की और जहांगीर की नीतियां देखेंगे बेटे तो अधिकतर नीतियां ऐसी हैं कि जो एक दूसरे उन्होंने जहांगीर ने अकबर को ही फॉलो किया। तो जहांगीर खुद एक राजपूत रानी से उत्पन्न पुत्र थे और उसने अकबर के जीवन काल में ही कछवाहा राजकुमारी राजा भगवान दास की बेटी मानबाई और मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से शादी की थी बेटा। इसके अलावा मुगलों ने बीकानेर और जैसलमेर की राजकुमारियों से भी शादी की थी। तो जहांगीर के शासनकाल के टाइम पर उसने उसका जो बेटा खुर्रम था, खुर्रम की शादी की राजा गज सिंह की पोती और उनके बेटे राव सकत सिंह की बेटी बाई लीलावती के साथ शादी की गई थी उनकी, ठीक है। यानी कि जहांगीर ने अपनी शादी तो हिंदू राजकुमारियों के साथ की ही, साथ में अपने बेटे खुर्रम जिसको बाद में शाहजहां के नाम से जाना जाता रहा उसकी शादी भी गज सिंह की पोती के साथ की थी और उनके बेटे राव सकत सिंह की बेटी भी की शादी भी लीलावती के साथ हुई थी। हालांकि मेवाड़ अभी भी मुगल सत्ता के सामने बड़ी चुनौती था, मेवाड़ अब भी मुगलों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था। तो मेवाड़ और जहांगीर का क्या संबंध रहा? मुगल सत्ता पर आसीन होने के बाद जहांगीर ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह के खिलाफ अभियान करने के लिए राजकुमार परवेज के नेतृत्व में, राजकुमार परवेज के जो नेता बना करके उसका लीडर बना के शाही मंत्री आसफ खान जाफर बेग की सहायता से आक्रमण करने का आदेश दिया।
मुगलों के गुट में राणा अमर सिंह का चाचा सागर भी था, यानी कि जो राणा अमर सिंह मेवाड़ के जो राजा थे उनका चाचा सागर भी यहाँ पर मुगलों के साथ मिला हुआ। हालांकि मुगल सेना को यहाँ तब भी कोई अच्छी सफलता नहीं मिली, जो चाहते थे उतनी सफलता नहीं मिल पाई, तो मुगलों ने मेवाड़ के राजपूतों के बीच दरार पैदा करने के उद्देश्य से सागर को चित्तौड़ में अपने आश्रित के रूप में स्थापित कर दिया। चित्तौड़ में अब उन्होंने सागर को अपने आश्रित के रूप में बसा दिया ताकि राजपूतों के बीच में दरार पैदा हो, क्योंकि जो सागर था वो राजा अमर सिंह का ही चाचा था। हालांकि गद्दार सागर को अपमानित होकर चित्तौड़ खाली करके बाद में भागना भी पड़ा। इसी बीच खुसरो के विद्रोह के कारण यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया था, तो जहांगीर को मुगल सेना को मेवाड़ से वापस बुलाना पड़ा। तो खुसरो के विद्रोह के कारण जहांगीर ने खुसरो आ रहा है बार बार बेटा खुर्रम है, खुर्रम ने यहाँ पर विद्रोह किया था, बेटा शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, उसकी वजह से उनको अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। और बाद में दोबारा जब खुर्रम का जब जो है विद्रोह निपट गया, उसके बाद जहांगीर ने दोबारा से मेवाड़ की तरफ ध्यान दिया। तो 1608 से 1615 तक उसने मेवाड़ के विरुद्ध कुल 4 सैन्य अभियान भेजे, मतलब 4 बार आक्रमण किया। 1608 में माहबाद, 1609 में अब्दुल्ला खान, 1611 में मिर्जा अजीज को का और राजकुमार खुर्रम को मेवाड़ के खिलाफ शाही सैनिकों का नेतृत्व करने का निर्देश दिया गया। लेकिन उनके आपसी अंतर कलह ने इन अभियानों को विफल कर दिया, वो आपस में भी उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए हर बार का उनका अभियान फेल हो जा रहा था। आखिर में जहांगीर ने 1613 में अपनी व्यक्तिगत देखरेख मतलब पर्सनल ऑब्जर्वेशन में मेवाड़ के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए अपना मुख्यालय अजमेर में ही शिफ्ट कर लिया। अजमेर में ही आवे मुख्यालय लेकर के तो राजकुमार खुर्रम को आक्रमण की सेना की विशेष कमान सौंपी गई, जिसमें उसे सफलता भी मिली। 1615 में राणा अमर सिंह जो थे वो सम्मानजनक शर्तों पर जहांगीर के साथ संधि वार्ता करने के लिए तैयार। जहांगीर की स्थिति में बदलाव देखकर जहांगीर जो था वो भी जब उसने देखा कि स्थिति बदल रही है तो समझौते के लिए तैयार हो गया और राजपूत इतिहास की अब तक की सबसे उदार शर्तों पर मेवाड़ के साथ शांति संधि शुरू हुई। यहाँ से तो संधि की शर्तों के हिसाब से राणा अमर सिंह ने जहांगीर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। बदले में जहांगीर ने चित्तौड़ सहित मेवाड़ के सभी क्षेत्रों को राणा को वापस कर दिया, जिसमें अकबर के समय जीते गए क्षेत्र भी शामिल थे। जिन क्षेत्रों को किसी टाइम में अकबर ने जीता था जहांगीर ने वो सब भी संधि के तहत वापस अमर सिंह को लौटा दिए। तो राणा अमर सिंह को शाही दरबार में उपस्थित होने या शाही सेवा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं करने पर भी सहमति हुई कि वो उनके दरबार में जाकर के नहीं शामिल हुए। तो इस तरीके से मेवाड़ के समर्पण करने के बाद राजपूतों के साथ गठबंधन को कुछ हद तक स्थिरता प्राप्त हुई और मुगलों और राजपूत राज्यों के बीच वैवाहिक गठबंधन लेकिन इसके बाद कम होने शुरू हो गए। इसके बाद वैवाहिक गठबंधन कोई खास सुनने में नहीं आती। अब शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पर शाहजहां या औरंगजेब का राजपूत राजवंशों से कोई अन्य विवाह नहीं हुआ था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान राजपूतों को महत्वपूर्ण आज्ञाएं सौंपी गईं और उन्हें उच्च मनसब प्रदान किए गए। उन्होंने राजपूतों पर भरोसा किया और उन्हें महत्वपूर्ण कर्तव्य सौंपे। नागरिक और सेना के बीच अंतर अभी भी जाति और जाति मूल्य आधार पर किया जाता था, ठीक है, अभी भी नागरिक और सिविलियंस में अंतर किया जाता था। तो जहांगीर और शाहजहां के शासन के दौरान राजपूत सहयोगी बने रहे लेकिन प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी अब, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में एक अविश्वास आने लग गया था। तो शाहजहां के शासनकाल में बुंदेलों और मेवाड़ के विरुद्ध दो संघर्ष हुए और दोनों सर्वोच्चता और आधिपत्य की अवधारणा की परस्पर विरोधी व्याख्याओं के परिणाम स्वरूप बुंदेलों का जो एक संघर्ष था वो भी बहुत ज्यादा एक जो है महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा, और मेवाड़ वाला भी। तो राजपूत अपने पड़ोसियों की कीमत पर क्षेत्र हासिल करने के लिए सैन्य छापे में शामिल हो गए जो कथित तौर पर उनके अधीन थे, लेकिन जब भी मौका मिले उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। तो उनके ऊपर उनको क्योंकि शक था कि हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं इसलिए हम इनकी जमीन को कब्जा लें, ऐसा सोचकर वो सैन्य अभियान में शामिल हो गए। तो जिन मुगलों के पास सत्ता थी इस दौरान वो अपने स्वार्थ की वजह से इन झगड़ों को नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ये आपस में झगड़ेंगे तो नुकसान मुगलों को हो रहा था, वो उनके साथ खड़े नहीं हो रहे थे। तो मुगलों ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि किसी भी अधीनस्थ सरकार मुगल साम्राज्य की कोई भी अधीनस्थ सरकार सरदार जो है यानी कि कोई भी राजपूत बिना मुगल साम्राज्य की सहमति के अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकता। तो अगर वो विजय के लाभों को छोड़ने के लिए तैयार था तो उसे अनुमति दी जा सकती थी, यानी कि कोई भी राजपूत अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं करेगा, युद्ध करना है करो पर जो क्षेत्र जीतोगे वो मुगलों के साम्राज्य में माना जाएगा। ये उन्होंने नीति बना दी ताकि लोग आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि जब फायदा मिलना नहीं है तो कोई क्यों लड़ेगा ये सोच करके। तो 1680 के दशक के दौरान औरंगजेब की राजपूत नीति राजपूतों के साथ मुगल कुलीन वर्ग के एक वर्ग के लिए भी चिंता का कारण थी, मतलब जो औरंगजेब की नीति थी वो राजपूतों के लिए तो चिंता का कारण थी, साथ में मुगलों के लिए भी एक चिंता का कारण थी, क्योंकि उसको मुगल भी जो थे वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मेवाड़ और मारवाड़ के शासक औरंगजेब की नीति से
असंतुष्ट थे और वे औरंगजेब द्वारा जब्त किए गए क्षेत्रों के बहाने चाहते थे। वो चाहते थे कि औरंगजेब ने जो क्षेत्र जीते हैं, जो क्षेत्र हमसे कब्जा लिए हैं, वो हमें वापस कर दिए जाएं। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 17वीं शताब्दी के लास्ट में आते आते औरंगजेब राजपूतों के प्रति उदासीन हो गया, उन्हें कोई महत्वपूर्ण कार्य देने बंद कर दिए। साथ ही औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक जो औरंगजेब था, बताया जाता है कि धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी था, तो हिंदुओं के प्रति विशेष रूप से उसकी राजपूत नीति को आकार देने में उसकी रूढ़िवादिता ने विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि रूढ़िवादिता के हिंदू जो थे, राजपूत हिंदू हुआ करते थे, हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे, और जो औरंगजेब था वो इस्लामिक था, तो इस वजह से उनका आपस में मतभेद शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों के उत्कर्ष के कारण, तो मराठों का उत्कर्ष शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते तो मुगल व्यवस्था में राजपूतों का महत्व कम, क्योंकि शुरुआत में जो मराठे थे उन्होंने भी मुगलों को सपोर्ट किया था। तो मेवाड़ और मारवाड़ के साथ युद्धों ने मुगल राज्य के खजाने को खाली कर दिया। औरंगजेब की राजपूत नीति ने उन मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने में उसकी अक्षमता को दर्शाया। मतलब मेवाड़ से मारवाड़ से जो युद्ध हुए उनके चक्कर में मुगल खजाना तो खाली हो गया, औरंगजेब की राजपूत नीति जो थी वो एक तरीके से यहाँ पर उसका फेलियर दिखने लगा। इससे राजनीतिक और धार्मिक वैमनस्य पैदा हो, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी आपस में मतभेद आने लग गए, जो कि राजनीतिक अंतर्दृष्टि की कमी को दर्शाता। उन्होंने राजनीतिक रूप से देखा ही नहीं था, केवल धार्मिक कट्टरता के नाम पर लगी रही और आपस में एक दुश्मन बना लिए औरंगजेब ने। इन सब ने राजपूतों ही नहीं बल्कि मुगल राजकुमारों द्वारा विद्रोह को भी प्रेरित किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो औरंगजेब की नीति थी उसकी वजह से सिर्फ राजपूतों ने ही विद्रोह नहीं किया बल्कि जो मुगल राजकुमार थे उन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ कई बार विद्रोह किया। तो राजपूतों को मुगल सेनाओं के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें राजस्व और भूमि के माध्यम से पुरस्कृत किया गया था। और क्योंकि राजस्व और भूमि पीढ़ियों से गुजरती थी, मतलब अगली पीढ़ी को चला जाता था, इसलिए मुगल शासन के प्रति पारिवारिक वफादारी भी बढ़ जाया करती थी। क्योंकि हमारे पिताजी को इन्होंने ये जो है क्या कि ये दी था, ये रियासत दी थी, इसलिए हम इनके जो है क्या कि इनके साथ हम लोग जो है रिगार्ड करेंगे, इस तरह का चलता था। तो औपचारिक और धर्म निरपेक्ष संरक्षण ने भी मुगलों और राजपूतों के बीच संबंधों में एक भूमिका निभाई, जिसमें गैर इस्लामिक प्रतीकों का एक विस्तृत प्रदर्शन था जो उनकी सेवा करने वाली विषम घुड़सवार सेना में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए था। तो जो धर्म निरपेक्ष संरक्षण था, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर नहीं वैसे ही संरक्षण दिया जा रहा था, उसकी वजह से काफी चल रहा था। तो जो पुरुष थे उनको सम्राट के व्यक्तिगत वस्त्र, तलवारें, घोड़े, पगड़ी, गहने और सजे हुए तरकर से पुरस्कृत किया जाता था। जो पुरुष हुआ करते थे सेना के या कोई भी वीर, उनको राजा के वस्त्र उपहार में दिए जाते थे, तलवारें, घोड़े, पगड़ी, तरकश। लेकिन कुरान कभी भी नहीं दी गई, यानी कि कहीं ना कहीं वो धार्मिक जो दूसरे की जो भावनाएं थी उनका सम्मान करते थे, अपनी धार्मिक भावनाओं को महान लोगों पर नहीं सौंपते थे। तो सैन्य सेवा, विवाह और संरक्षण के माध्यम से राजपूत एक ऐसी जाति के रूप में उभरे जो मुगल दरबार के प्रति वफादार थी। अकबर ने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की और अपने बेटे और अंतिम उत्तराधिकारी जहांगीर को आधा राजपूत बना दिया। बदले में जहांगीर का बेटा शाहजहां भी एक राजपूत मां का बेटा था। मुगल कालीन वर्ग का उत्तर भारतीयकरण होता चला गया। धीरे धीरे मुगल कुल जो था धीरे धीरे भारतीय होता चला गया, धीरे धीरे उसमें इंडियन चीजें आती चली गई। तो इन परिवर्तनों ने हिंदुओं और मुसलमानों के खुद को और एक दूसरे को देखने के तरीके को कहीं ना कहीं बदल दिया। कर्नल टॉल्ट के अनुसार भारतीय राजपूत जाति जो थी भारत में सबसे कुलीन और स्वाभिमानी है, वे सर्वोच्च पुरातनता और शुद्धतम वंश की है। उनके पास एक सामंती सैन्य निरंकुशता है, वे बहादुर और शूरवीर हैं, अनादर के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और विशेष रूप से अपनी महिलाओं के सम्मान के प्रति सजग है। ये बात कर्नल टॉल्ट ने अपनी बुक में लिखी थी बेटा। तो निष्कर्ष यहाँ से यही निकलता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना भले ही बाबर ने की थी, लेकिन उसके पुत्रों के आपसी झगड़े की वजह से शेरशाह के नेतृत्व में अफगानों ने उन्हें दिल्ली और आगरा से खदेड़ दिया। हालांकि हुमायूं दोबारा दिल्ली पर अधिकार करने में सफल हुआ था, लेकिन उसे साम्राज्य को व्यवस्थित करने का मौका नहीं मिला था। उसके बाद अकबर की धार्मिक नीति क्या कहती थी। मध्यकालीन भारत में लोगों के धार्मिक विश्वासों और आचरणों में काफी भिन्नता थी बेटा, काफी अलग अलग धार्मिक विश्वास थे। तो मुगल जो मुस्लिम शासन की स्थापना और जबरन धर्म परिवर्तन के बावजूद भारत में बहुत सारे हिंदू थे, हिंदू बहुसंख्यक थे तब भी। तो हालांकि अल्पसंख्यक होने के बावजूद मुस्लिम शासन के दौरान मुसलमानों की भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली स्थिति थी, क्योंकि वो राजा थे, भले अल्पसंख्यक थे लेकिन राजा थे, इसलिए उनका प्रभाव पूरा था। तो अकबर मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया था, यानी कि एक तरह से रिलीजियस टॉलरेंस का उसने यहाँ पर
परिचय दिया था। तत्कालीन भारत की सामाजिक राजनीतिक दशा ऐसी थी कि अकबर ने धार्मिक विषयों में स्वतंत्र विचार रखना उचित समझा। उस टाइम की सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी थी कि अकबर को लगा कि पहले मैं अपने राज्य को संभाल लूं, किसी के धर्म में ज्यादा घुसना नहीं। उसने शासित भारतीय क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक थे। जो अकबर का राज्य था उसमें बहुत सारे हिंदू थे। उनका विश्वास और सक्रिय समर्थन जीते बिना अकबर भारत में मुगल शासन को स्थापित और सुदृढ़ करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। इतने सारे हिंदुओं के बीच में आकर के एकदम से अगर वो कहता कि सभी की सभी लोग कन्वर्जन कर लो तो शायद वो पॉसिबल नहीं था, उसके खिलाफ बगावत हो जाती। तो भारत ने इस्लाम, जिसे यहाँ के अधिकांश हिंदुओं ने अपनाने से अस्वीकार कर दिया था, तो आक्रमण के समय से ही भारतीय समाज में विभाजनकारी शक्ति की भूमिका अदा कर रहा था। इस्लाम की वजह से लोग कहीं ना कहीं धर्म की वजह से अकबर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अकबर ने जटिल भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की प्रवृत्तियों को खूब समझा और धर्म को राजनीति से अलग करके इन प्रवृत्तियों को खत्म करने का गंभीर प्रयास किया। वो राजनीति के बीच में धर्म को नहीं लाया उस टाइम, क्योंकि उसे पता था कि उसका जो धर्म है जिसकी बात वो करना चाहता है वो फिलहाल यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसके अलावा अकबर का खुद का भी कटु अनुभव था कि केवल धार्मिक कट्टरता से ही वो धार्मिक उलेमाओं और मुस्लिम सरदारों का समर्थन उसको नहीं मिलेगा। उसने अपने ही पिता के बेईमान और ईर्ष्यालु सगे संबंधियों के हाथों कष्ट उठाते और उनको भटकते हुए देखा था, है ना। तो अकबर पूरी तरह अपने महत्वाकांक्षी और उपद्रवी मुस्लिम अमीर, जो कि आमतौर पर विद्रोह करते रहते थे और कभी कभी तो जान लेने को भी उतारू हो जाते थे, उन पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसे पता था कि मेरे मुस्लिम जो अमीर हैं, इनकी बजाय जो हिंदू रिश्तेदार हैं मेरे लिए ज्यादा भरोसेमंद होंगे। दूसरी ओर अकबर की सबसे समर्पित बुद्धिमती और संस्कृत हिंदू रानियां जो थी और उनके संबंधी जो थे, उसकी राजगद्दी के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ प्रेम जो था, उसके कारण उसने जो है उसका विश्वास उन लोगों ने जीत लिया था। तो राजपूत हिंदू राजाओं के सभ्य और सम्मानित संबंध ने धार्मिक नीति के क्षेत्र में अकबर को एक नई दिशा में प्रगति करने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि हिंदू राजा जो थे अकबर को बहुत सम्मान देते थे, उसके लिए प्राण देने को तैयार रहते थे। अपनी बहनों की बेटियों की जो शादी की थी इसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं अकबर भी उनको रिगार्ड करता था। आगे चलकर उसकी महानता का आधार उसकी धार्मिक नीति ही बनी। अकबर ने पूर्व सल्तनत कालीन शासकों द्वारा जारी धार्मिक कट्टरता की नीति में व्यापक परिवर्तन कर दिया, उसने चेंजेस लाए। अपनी इस नीति में उसने सभी धर्मों और संप्रदायों के एकता और समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उसने चाहा दीन इलाही जो बनाया था उसमें सभी धर्मों को स्टडी किया गया, उनमें जो अच्छी चीजें थी जो कि समाज को एकता की तरफ ले जा सकती थी उनको शामिल करने की कोशिश की गई। तो धार्मिक उदारता अकबर को विरासत के रूप में मिली थी। अकबर के पिता हुमायूं ने भी उदारता और सहिष्णुता के गुण थे। हालांकि यह एक सत्य भी है कि हुमायूं ने धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हुए रानी कर्णावती के रक्षा सूत्र भेजकर मदद मांगने पर भी बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध मैदान में समीप होकर के भी उनकी मदद नहीं की थी। ये फैक्ट है बेटा, कई जगह सुनने को मिलता है कि हुमायूं ने राखी का मान रखा था, लेकिन नहीं, हुमायूं था वो बहादुर शाह के अगेंस्ट तब पहुंचा था जब रानी कर्णावती का एक तरह से वहां पर जो है क्या कि उन लोगों का पूरा युद्ध खत्म हो चुका था, वो लोग खत्म हो चुके थे। तो अकबर की धार्मिक नीति को उदार बनाने में उसके शिक्षक और संरक्षकों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मुनीम खान, मीर अब्दुल लतीफ, मुल्ला पीर मोहम्मद जैसे उदार शिक्षक थे जिनका प्रभाव अकबर पर पड़ा। इनमें मीर अब्दुल लतीफ को बहुत उदार बताया गया है, जिनका अकबर पर सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है। इन्हीं ने अकबर के सुलह कुल यानी कि सर्वाधिक भाईचारा का ये सिद्धांत सिखाया था। हालांकि ये विरोधाभासी फैक्ट है, क्योंकि अकबर का मन कभी भी शिक्षा ग्रहण करने में लगा नहीं था, शिक्षा उन्होंने प्राप्त की नहीं थी, तो किसी मत से प्रभावित हुए इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। तो सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के शेख सलीम चिश्ती के प्रति उनकी अपार श्रद्धा हुआ करती थी। आपने पढ़ा भी था कि पहली शादी जब उनकी हुई थी जोधा के साथ, तब वो चिश्ती की दरगाह पर ही जा रहे थे। तो अकबर उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, धर्म और जाति का भेदभाव किए बिना प्रजा के कल्याण को ही वो ईश्वर की सच्ची उपासना माना करता था। इसी से प्रभावित होकर के 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने और बलपूर्वक जो इस्लाम स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1562 में अकबर ने आमेर की राजकुमारी हरकाबाई से विवाह किया था। इसका राजनीतिक और धार्मिक परिणाम उसके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, उसको बहुत महत्वपूर्ण रहा था। वो हिंदू धर्म के संपर्क में आया और प्रभावित होकर उन्हें अनेक सुविधाएं प्रदान की। उसने खुद मथुरा की यात्रा की, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1563 में ही पंजाब में गौहत्या पर उसने प्रबंध लगा दिया। बाद में राजपूतों से संघर्ष के दौरान उसने फिर से कर लगा दिया था, लेकिन अंतिम रूप में 1579 में यानी कि 1579 में उसने जजिया को खत्म कर दिया था। अपनी धार्मिक नीति के परिणाम स्वरूप अकबर ने अपने समय के भारतीयों को न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व भी प्रदान किया था और मुगल साम्राज्य को एक तरह से और ज्यादा विस्तार दिया था। आगे हम बात करेंगे जहांगीर की धार्मिक नीति की। जहांगीर ने अपने पिता का ही अनुकरण किया धार्मिक नीति के मामले में और सुलह कुल की नीति को ही कार्यान्वित रखा।
तो उसका पालन पोषण एक उदार वातावरण में हुआ था। वो ईश्वर में विश्वास करता था, अपने धर्म की मुख्य बातों का पालन करता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के मानने वालों को राज्य की ओर से सभी सुविधाएं प्राप्त थी। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की तरह ही हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति को अपनाया। उसके समय में हिंदू राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त हुआ करते थे और उनसे कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लिया जाता था। वो हिंदुओं के त्योहारों में खुद भाग लिया करता था। जहांगीर ने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था और अपनी कलाई पर राखी बन पाई थी। जैनियों के प्रति जहांगीर ने कुछ कठोर कदम जरूर उठाए थे, लेकिन उन्हें जैन धर्म को मानने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की थी। तो शाहजहां की धार्मिक नीति क्या कहती थी? शाहजहां ने अपने शासन के प्रारंभिक चरण में इस्लाम का पक्ष लिया, तो इस्लाम की तरफ थोड़ा सा बायस्ड हो गया। उसने दरबार में सिजदा पबोस का चलन शुरू कर दिया। हिंदुओं को मुस्लिम गुलाम रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि हिंदू जो है वो मुस्लिमों को गुलाम अब नहीं रख सकते हैं। और अकबर और जहांगीर के समय में जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था उसे भी उसने हटा दिया। इसके अलावा उसने हिंदू तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया, हालांकि बाद में उसे हटाया गया। उसने 1633 में पूरे साम्राज्य में नव निर्मित हिंदू मंदिरों को तोड़ने का एक हुक्मनामा जारी किया, एक आदेश जारी किया 1633 में कि जितने भी नए हिंदू मंदिर बने हैं उन सबको तोड़ दिया जाए, जिसके नतीजे के तौर पर बनारस, प्रयागराज, गुजरात, कश्मीर में काफी मंदिर तोड़े गए। उसने इलाही संवत की जगह हिजरी संवत को लिखना शुरू करवा दिया। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया, अलग विभाग बनाया, और साथ ही ये नियम बनाया कि किसी मुस्लिम लड़की की शादी तब तक किसी हिंदू से नहीं हो सकती जब तक कि वो इस्लाम स्वीकार न कर ले, और वाइस वर्सा, यानी कि जब तक कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम जो इस्लाम कबूल न कर ले तब तक उसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती, और कोई भी मुस्लिम हिंदू लड़की इस्लाम कबूल न कर ले तब तक उसकी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं हो सकती। लेकिन जहां आरा और दारा शिकोह के प्रभाव में आने के बाद वो उदार होता चला गया। उसने चिंतामणि मंदिर के मरम्मत का आदेश दिया, जो कभी खंबात के नागरिकों के अनुरोध पर गो हत्या पर प्रतिबंध। शाहजहां फलित ज्योतिष में विश्वास रखता था। बहुत से ज्योतिषी राजवंशों की कुंडलियां तैयार करने, विवाह के लग्न, सैनिक स्थान के लिए शुभ मुहूर्त निकालने में व्यस्त रहा करते थे। उसके अपने पूर्वजों की तरह शाहजहां ने भी बसंत, दशहरा वगैरह हिंदू त्योहारों को मनाने और तुलादान करने की प्रथाएं जारी रखी थी। तुलादान सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं से कराया जाता था। तुलादान कहते थे राजा के वजन के बराबर सोना चांदी तोलकर लोगों में दान करना। तो तुलादान के पदार्थ साधुओं, ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक पुरुषों में वितरित कर दिए जाते थे। उसने हिंदुओं को उच्च पदों पर आसीन करने की प्रथा जारी रखी। आगे औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब के 50 साल के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता था। अपने पूर्वजों के अगेंस्ट औरंगजेब को तड़क भड़क पसंद नहीं थी। वो कट्टर धार्मिक मुस्लिम होने के नाम से प्रसिद्ध है और इतिहास में उसे जिंदा पीर कहा जाता था। लेकिन शासक के रूप में औरंगजेब की धार्मिक नीति पर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ की राय में इसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पलट दिया था और इस तरह साम्राज्य के प्रति हिंदुओं की निष्ठा को कमजोर किया था, जिससे बाद में जन विद्रोह हुए, साम्राज्य की नींव कमजोर हुई। और कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि पहले के मुगल बादशाहों की जो धार्मिक सहिष्णुता थी उसकी वजह से हिंदू निष्ठाहीन हो गए थे, और इस वजह से हिंदू औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति कठोर कदम उठाए थे और कट्टर मुस्लिम छवि से मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी ताकि उनके समर्थन में और लंबे टाइम तक शासन कर पाए। हालांकि अपने इस तर्क के संबंध में इतिहासकार कोई प्रमाण नहीं दे पाते हैं कि हिंदू जो थे वो निष्ठाहीन हो गए थे। औरंगजेब ने ऐसे सभी धार्मिक और प्रशासनिक नीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिया जो इस्लाम धर्म के खिलाफ थे। उसने नवरोज त्योहार पर इसलिए प्रतिबंध लगाया क्योंकि इसे पारसी प्रथा माना जाता था। उसके साथ ही साम्राज्य के लोगों के सामाजिक आचरण की निगरानी के लिए मोहसिब नामक अधिकारियों को उसने नियुक्त किया, जिनका काम क्या होता था? लोगों के सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों की निगरानी रखना, ताकि कोई भी गैर इस्लामिक गतिविधि वहां पर ना हो। तो हिंदू व्यापारियों की जगह मुस्लिम व्यापारियों के व्यापार में बढ़ावा देने के लिए औरंगजेब ने पहले तो उनसे आयातित वस्तुओं पर, मतलब इंपोर्टेड चीजों पर लगने वाले टैक्स में बड़ी सीमा में शुल्क से उनको मुक्त कर दिया। लेकिन जब इस छूट का गलत तरीके से फायदा लोग उठाने लगे तो उसने दोबारा महसूल लागू कर दिया और उसकी दर को हिंदुओं से आधा रखा। आगे बात आती है मंदिर और जजिया की। तो अपने शासन के आरंभ में औरंगजेब ने मंदिरों, यहूदी उपासना ग्रहों, गिरजाघरों आदि के प्रति नरम हुकूमत अपनाते हुए पुराने मंदिर को नष्ट न करने का आदेश दिया था। लेकिन कोई भी नया मंदिर न बनाने की इजाजत आदेश दिया कि कोई भी नया मंदिर नहीं बनेगा, हालांकि पुराने जो पूजा स्थल थे उनकी मरम्मत कराई जा सकती थी। लेकिन बादशाह बनने से पहले ही उसने अपनी धर्मांधता का परिचय गुजरात के सूबेदार के रूप में अपने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश देकर के दे दिया था। पहले तो केवल मंदिर के मूर्तियों को तोड़ा गया, लेकिन जब लोगों ने नई मूर्तियां वहां पर रख ली तो उसने 1665 में मंदिरों को ही नष्ट करने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें उसने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। इस तरीके से उसने शुरुआत के सालों में बड़े पैमाने पर मंदिरों को नष्ट कराया और अनेक दिशाओं में उसे मराठों, जाटों, राजपूतों के विरोध का सामना करना पड़ा।
तो उसे लगा कि उसके साम्राज्य को खतरा हो सकता है, तो उसने अपनी नीति में थोड़ा सा बदलाव कर लिया। जैसे जैसे उसका टकराव स्थानीय ताकतों से बढ़ता गया, उसने दंड और चेतावनी के बजाय पुराने और दोनों प्रकार के मंदिरों को गिराना वैध मानने लगा। मतलब कि मंदिर तोड़ो, किसी भी तरीके का मंदिर हो तोड़ दो। तो उसके साथ लोकल टकराव बढ़ते चले गए। अब उसे पता चला कि थट्टा, मुल्तान, विशेषकर बनारस के मंदिरों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही यहाँ के ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो उसने ब्राह्मणों और मंदिरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। वहां के मंदिर गिराए गए और उन पर मस्जिदें बनवाई गई। इसे मानसिंह द्वारा बनाया गया बनारस का सर्वप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में वीर सिंह बुंदेला का बनाया हुआ केशव राय मंदिर भी शामिल था, जिन्हें गिरा करके मस्जिदें बनाई गई थी। इसी तरीके से उड़ीसा के सभी मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया। अब औरंगजेब का उद्देश्य क्या था? इस्लाम की स्थापना, और उसने काफिरों यानी कि हिंदुओं के धर्म के सार्वजनिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म के लोग कोई भी सार्वजनिक व्यवहार नहीं कर सकते, पब्लिकली कुछ भी हिंदू धर्म का नहीं किया जाएगा। तो कट्टरता का सबसे बड़ा उदाहरण उसने गैर मुसलमानों पर थोपा गया जजिया कर था, जो कि धार्मिक कर था, जिसको उसने राजा जसवंत सिंह की मौत के तुरंत बाद 1679 में यानी कि 1679 में लागू किया था। कहा जाता है कि वो जसवीर सिंह से डरता था और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसने खुशी से कहा कि कुफर का दरवाजा टूट गया। उसने जजिया वसूलने की जिम्मेदारी कट्टर मुसलमानों को सौंपी, जिन्होंने बड़ी ही कठोरता से जजिया वसूला था। तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार देखा जाए तो मुगल साम्राज्य अकबर के उदारवादी शासन और धार्मिक सहिष्णुता की नीति के आधार पर राजपूत सरदारों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप राजपूतों ने उनके साम्राज्य के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया और राजपूतों के खतरे से मुगल साम्राज्य मुक्त रहा। जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर की नीति का अनुसरण किया। हालांकि शाहजहां के समय में धार्मिक नीति में विचलन शुरू हो गया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान इस्लामिक चरित्र को मजबूत करने का मजबूत प्रयास किया। वो एक रूढ़िवादी मुसलमान था जो शरीयत का कड़ाई से पालन करने में विश्वास रखता था, उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए गैर मुसलमानों पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटता था। हालांकि वो खुलकर ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि इससे उसके राजपूत मनसबदार जो कि काफी संख्या में थे नाराज हो सकते थे और उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। तो जब तक जसवंत सिंह जिंदा रहे वो जजिया लागू करने का साहस नहीं कर पाया, लेकिन जैसे जैसे वो कट्टर होता गया उसने हिंदू सरदारों का समर्थन मिलना उसको कम होता गया और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु के साथ ही, उसकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अब इस पाठ में से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो एक बार देख लीजिए, इनके आंसर भी आपको यहीं से मिले हैं बेटे। तो राजपूत समाज और मुगल साम्राज्य के बीच राजनीतिक संबंध कैसे थे और इसके परिणाम स्वरूप कौन सी नीतियां अपनाई गई, आप चारों का दे सकते हैं बेटा। यहाँ पर आप शुरुआत कीजिए अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, चारों के टाइम की बताइए आप, है ना। इसके बाद अकबर से औरंगजेब तक राजपूत राजा और मुगल साम्राज्य के बीच धार्मिक समझौते और नीतियों की विवेचना कीजिए। ये भी आपने अभी पढ़ा है कि अकबर के टाइम पर कोई इशू नहीं था, जहांगीर के टाइम पर भी कोई इशू नहीं था, धीरे धीरे शाहजहां के टाइम पर थोड़ा विचलन शुरू हुआ, औरंगजेब के टाइम तक कट्टरता आ गई। इसी को आप स्क्रीन करके लिखेंगे। अगला प्रश्न बनता है, मुगल साम्राज्य के कुछ शासकों के धर्मनिरपेक्ष नीतियों के प्रति राजपूत समाज का प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण कैसा था? तो जो धर्मनिरपेक्ष थे वो कौन कौन थे? अकबर और जहांगीर। उनके टाइम पर राजपूतों का जो नजरिया था उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, दोनों के टाइप जो है अलग अलग हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। अकबर से औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण संघर्षों में राजपूतों की भूमिका कैसी रही? अकबर के टाइम पर सपोर्ट कर रहे थे, जहांगीर के टाइम पर सपोर्ट कर रहे थे, शाहजहां और औरंगजेब के टाइम तक आते थे, इनसे ही संघर्ष शुरू हो गया। तो राजपूतों के अंदर मुगल साम्राज्य के प्रति आराध्यता और विरोध की भावना कैसे थी और इसका सामाजिक परिणाम क्या था? राजपूतों के अंदर मुगल साम्राज्य के प्रति आराध्यता इसलिए थी क्योंकि उनके धर्म को सम्मान देते थे, उनको सम्मान देते थे, उच्च पद दिया करते थे, साथ में राजपूतों की बेटियां थी, उनके यहाँ जो है शादी की गई थी, तो लड़कियों के ससुराल वालों को राजपूत जो थे वैसे भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया करते थे, बहनों को बहुत ज्यादा प्रेम से रखते थे, बहुत सम्मान देते थे, तो उनको जान देने तक के लिए तैयार हो जाते थे। साथ में लेकिन जब धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता उनके धर्म पर बात आने लगी तो लोग मुगलों के खिलाफ हो गए। इसका सामाजिक परिणाम क्या था कि समाज में धार्मिक वैमनस्यता बढ़ने लग गई, हिंदू और मुसलमानों के बीच से एक बायफर्केशन आ गया, एक मतभेद आ गया। तो इसी को आप लिखेंगे बेटा आंसर में। तो ये था आपका पूरा का पूरा पार्ट 4 भारत का इतिहास में से, जो कि आपने आज के वीडियो में पढ़ा है बेटा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।